हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी के सभी लोग। आज मैं करने वाला हूँ इन्फिनिक्स नोट 10 पे पबजी टेस्ट। G85 का यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे जो है स्मूथ अल्ट्रा बैलेंस्ड अल्ट्रा और HD हाई पे यहाँ पे आपको ग्राफिक सेटिंग्स देखने के लिए मिलती है। और सबसे पहले मैं TDM खेलूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लासिक का मैच खेलने वाला हूँ। ऊपर आपको FPS मीटर दिख जाएगा। हैंड कैम इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि FPS मीटर दिखाने के लिए कंटिन्यूसली कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्ट करके रखना पड़ता है। और जो है कंप्यूटर के साथ मैं अगर कनेक्ट करता हूँ तो मैं हैंड कैम नहीं बना सकता, बिकॉज जहाँ पे मेरा सेटअप है वहाँ से कंप्यूटर मेरा अलग जगह पे है। तो भाई ये रीज़न है कि मैं यहाँ पे हैंड कैम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिवाइस का लुक वगैरह सब मैंने दिखा दिया, आपको ऊपर FPS मीटर दिख जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Team has scored for the first time. Enemy down. Clear. Reloading. Killing spree for the blue team. Target down. No mercy! Clear! Kill! Dead! Expired! Reloading! The blue team is in the lead. Killing spree for the blue team! Clear! Kill! The blue team is unstoppable! Great! You're about to win! The blue team is heading to a perfect win! Blue the blue team is victory. Unstoppable!
गाइस अभी मैं बात करना चाहूंगा गोविन एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन से आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारे स्पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, वो आप खेल के काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लाइव वहाँ पे आपको कैसीनो देखने के लिए मिल जाता है, प्रमोशंस यहाँ पे डेली चलते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप डिपॉजिट करके भी पैसे कमा सकते हैं, इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। कस्टमर सपोर्ट भी इनका काफी अच्छा है और काफी सारे यहाँ पे आपको गेम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स है, लॉटरी है, रमी है और स्लॉट्स भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गोवा विन एप्लीकेशन का लिंक वगैरह मिल जाएगा, जाइए वहां से आप इसको डाउनलोड वगैरह कीजिए। तो गाइस जैसे कि आपने परफॉर्मेंस यहाँ पे देख लिया, आपको जो है 30-35 FPS जो है कॉन्स्टेंटली देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि मतलब परफॉर्मेंस बढ़िया है। एकदम ज़्यादा भी अच्छी नहीं बोलूँगा, एकदम ज़्यादा भी बेकार नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो G85 वाले प्रोसेसर्स रहते हैं कस्टम UI के साथ वो ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। और आपको पता ही होगा XOS इतना भी बढ़िया नहीं है। जो G85 और G80 प्रोसेसर है वो स्टॉक एंड्रॉयड के साथ काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हैं, जो कि हमने माइक्रोमैक्स N1 और N Note 1 में अपन ने देखा था। तो वही यहाँ पे परफॉर्मेंस नॉर्मल है, ज़्यादा अच्छी नहीं है ना ज़्यादा बेकार है, आपका काम इससे चल जाएगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। टाटा बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।